देखो द न्यू रॉसकॉमन, इसको देख लेते हैं, ये दिख रहा है पूरा ऐसे, देखें। गुड इवनिंग, मैं आपको ये दिखा दूँ जरा, कितना सुंदर बनाया है ये नया वाला रूम। टैरिफ जो हमारा पास है डिलक्स रूम स्टार्टिंग है वो आफ्टर डिस्काउंट नाउडेज। हाँ, तो ये यहाँ से ऐसे एंट्री है हिमाचल टूरिज्म का, ये ओल्ड वाला है। और नीचे वाली रोड से जाते हैं तो रॉसकॉमन न्यू आ जाता है, तो ऊपर वाली रोड पे आ जाओ तो घुसते ही, हाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं और ऐसे ओपन स्पेसेस हैं जहाँ से व्यूज़ बहुत ही सुंदर है। ये सनराइज पॉइंट भी है बिल्कुल इसके पास में। अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम आ गया, उसमें 30% लेस हो जाता है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आज हिमाचल प्रदेश के एक बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से शहर में, बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन पे। ये चंडीगढ़ से काफ़ी पास है, 1-1.5 घंटे का रास्ता है चंडीगढ़ से, और दिल्ली से यहाँ आने के लिए करीब आराम आराम से आप आएंगे तो 6 घंटे आराम से लग जाएंगे आपको मेन कसौली में आने के लिए। तो बेस्ट ऑप्शंस टू स्टे इन कसौली वो मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो देखिए वेदर देखो, कसौली का वेदर तो सबसे, यहाँ का अगर आपको सबसे पास जगह आना है दिल्ली एनसीआर के और बहुत ही ब्यूटीफुल वेदर एंजॉय करना है तो वो आप यहाँ पर आके आराम से कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट वीकेंड पे ना आएँ, आप छुट्टी लेकर के वीकडेज पे आएँ, आपको रहने में भी आसानी होगी और घूमने में भी आसानी होगी। तो चलिए मिलते हैं, अब मैं होटल्स बनाने के लिए जा रही हूँ तो वहाँ मिलती हूँ मैं। तो आप लोगों को वो जो मेन रोड है वहीं से जब सामने सीधे सीधे आएंगे तो आपको दो रोड मिलेगी, एक ऊपर जाती हुई एक नीचे जाती हुई। तो जब आप नीचे आएंगे तो वो रॉसकॉमन न्यू वाले में आएंगे आप, और उसी में ऊपर जाएंगे 100 मीटर तो रॉसकॉमन ओल्ड वाला आ जाएगा। तो मैं अभी ये न्यू वाले में देख रही हूँ, अब देखो द न्यू रॉसकॉमन, इसको देख लेते हैं, इसमें रूम्स रेस्टोरेंट बार बैंक्वेट सब है, तो ये देखते हैं। और ये ऐसे इसकी लुक है, ये यहाँ से सामने देखो ये दिख रहा है पूरा ऐसे, तो ठीक लग रहा है देखने में। तो इसको देख लेते हैं, बहुत स्मार्ट सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है काफ़ी, लेट्स सी। तो इसमें आपका ईवी चार्जिंग स्टेशन भी लगाया हुआ है इन्होंने, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। और इसका देखो व्यू, देखो यहाँ से लवली व्यू, ये देखो आप, बेस्ट व्यू है यहाँ से, वेरी नाइस, नया बना है, सुंदर लग रहा है, देख लेते हैं नए वाले को भी, अच्छा लग रहा है, देखें ये देखो कितना सुंदर बना हुआ है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, मैं आपको ये दिखा दूँ ज़रा, कितना सुंदर बनाया है ये नया वाला रॉसकॉमन, बहुत प्यारा बना है। तो भैया ये बताइए यहाँ पे जैसे एक तो बुकिंग कैसे होती है और टैरिफ क्या है? मैम जो बुकिंग रहता है हमारा HPTDC की वेबसाइट से रहता है, उस पर आपका रूम टैरिफ जो हमारा पास है डिलक्स रूम स्टार्टिंग है वो आफ्टर डिस्काउंट नाउडेज, सो 5,278 विद ब्रेकफास्ट फॉर डबल ऑक्यूपेंसी, सुपर डिलक्स 5,681, एंड वी हैव ओनली वन स्वीट रूम, फैमिली स्वीट रूम, द टैरिफ इज 9,558 विद ब्रेकफास्ट फॉर 4%। अच्छा ठीक है, yes, भैया कोई रूम दिखा दीजिए। यस मैम, श्योर श्योर। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। यहाँ से व्यू देखो कितना, ये डीलक्स है ना? हाँ जी, डीलक्स कैटेगरी, ये डील सीट आउट है। अच्छा, ये तो कहाँ से जाना? यहाँ से बाहर जाने के लिए मैक्सिमम रूम्स में बालकनी है। अच्छा अच्छा,
और मैक्सिमम रूम्स में बैल्कनी है, इसमें सिट आउट है बाहर, इसमें सिट आउट है आपका। अच्छा, बड़ा अच्छा है, बहुत प्यारा भी है ये। बैठो अपना बाहर आराम से और व्यू एंजॉय करो। बढ़िया है, बहुत अच्छा। ये कब बना है मैम? ये अक्टूबर 2021 में स्टार्ट हो गया। अच्छा, स्टार्ट हो गया आफ्टर कोविड। अच्छा, आफ्टर कोविड स्टार्ट हो गया, बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। टेलीविजन वगैरह सब दिया हुआ है अच्छे से, और ऊपर का भी कैबिनेट है, ये भी है। वॉशरूम भी मैं देख लेती हूँ एक बार ही, खोल दीजिए। लवली, वेरी नाइस। तो ये तो बुक्ड रहता होगा समर्स में, तो मई जून में तो बिल्कुल फुल जाता होगा, है ना? सीजन में तो बिल्कुल फुल जाता होगा, क्योंकि इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है ये, बहुत प्यारा है। और ये कॉमन वॉशरूम से अच्छा 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 ओके, बढ़िया। और कोई इससे बड़ा दूसरी कैटेगरी भी दिखा दीजिए। अच्छा, आपका ये, अरे वेरी नाइस। ये देखो, इनके ऊपर लॉबी में फर्स्ट फ्लोर पे आई हूँ मैं, ये कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा बना है। ये सुपर डीलक्स है ना? अच्छा, थोड़ा सा स्पेशियस है, वैसे सब सेम चीज है, स्पेस ज्यादा है, हाँ, और इसमें बालकनी है, वैसे सब सेम है बिल्कुल, ओके। मैंने हिमाचल की, मैंने बहुत प्रॉपर्टीज देखी हैं गवर्नमेंट की, ये मुझे बेस्ट लगी है, पता है? मैं बहुत अच्छी है, यहाँ से व्यू भी कितना प्यारा आ रहा है, ठीक है, बहुत बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है भैया। और वॉशरूम तो सेम रहेगा, दिखाओ, हाँ, ये इस साइड आ गया थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। एक फ्लोर पे कितने रूम्स होंगे ये? एक फ्लोर पे मैम ग्राउंड फ्लोर पे 6 रूम हैं, बाकी जो हमारे 26 रूम ये सेकंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे। अच्छा, तो मैं अभी ये फैमिली स्वीट देखने जा रही हूँ, जो कि 4 लोगों के लिए है, और इन लोगों के पास एक ही है फैमिली स्वीट, तो ये देख लेते हैं। ये ऐसे है, इसमें 2 बेडरूम है, सेपरेट बाथरूम, सेपरेट बालकनी। अच्छा, एंट्री जो रहती है वो भी सेपरेट, वो भी सेपरेट है। अच्छा, तो ये इंटरकनेक्टेड है। अच्छा, इंटरकनेक्टेड है फैमिली स्वीट, इंटरकनेक्टेड है, और मतलब बस एक एक रूम एक डोर से कनेक्टेड है, बाकी बिल्कुल सेपरेट है, एंट्री भी सेपरेट है, वॉशरूम भी सेपरेट है, सब सेपरेट है, और ये देखिए बालकनी भी सेपरेट है, सब कुछ सेपरेट है, और यहाँ बालकनी वगैरह से व्यू भी तो बहुत ही ऑसम आ रखा है, बहुत ही अच्छी जगह में बना हुआ है भाई ये तो। ये देखो अब, बहुत सुंदर। मैं खोल देती हूँ, ये आ गया, बढ़िया है भैया, बहुत सही है। और ये तो आ गया, ये अच्छा, इससे भी एग्जिट है और उससे भी है ना, सही है बिल्कुल। इनका फैमिली स्वीट का यहाँ से भी एंट्री है और यहाँ से भी एंट्री, और दोनों रूम्स कनेक्टेड हैं, अच्छी बात है। ये देखो ऑसम, डिस्काउंटेड है ना, हाँ। ये वाला डीलक्स, ये भी डीलक्स है, तो वो जो हमने देखे हैं वो डीलक्स हैं, हाँ, और एक सुपर डीलक्स था है ना, ठीक है, सेम है, बिल्कुल सेम है, सब सही, जब सब चीज़ें सेम है, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट है इनका, काफ़ी रेस्टोरेंट भी काफ़ी ठीक लग रहा है, अच्छी डिज़ाइनिंग है जिसने भी की हुई है रेस्टोरेंट की भी,
अच्छी है। वाओ, यहाँ तो बैठ के मजा आ जाए, बहुत बढ़िया। तो ये तो भैया ऑक्यूपाइड चलता होगा आप लोगों का काफी, है ना? वीकेंड पे तो सोल्ड आउट ही रहेगा। तो अभी ये बताएंगे इन सीजन रेट्स जो हैं इनके। सीजन रेट रहता है हमारा वो डिलक्स रूम 8,324 विद ब्रेकफास्ट फॉर डबल ऑक्यूपेंसी, ओके। सुपर डिलक्स 9,440 नेट अमाउंट, ओके। विद ब्रेकफास्ट डबल ऑक्यूपेंसी, ओके। और हमारा जो एक फैमिली सूट रहता है वो 14,986, ओके। विद ब्रेकफास्ट फॉर 4 पर्सन रहता है, ठीक है। थैंक यू। तो ये बार का भी है, बार भी अच्छा है इनका, बहुत वेरी नाइस। लाइट्स वाइट सब इंटरेस्टिंग अच्छी लगा रखी है, वेरी नाइस, वेरी नाइसली बना। तो बार के टाइमिंग्स क्या हैं इधर? 2:00 to 10:30। अच्छा, ओके, ठीक है, थैंक यू भैया। तो ये बाहर से भी बहुत अच्छा है, इनकी प्रॉपर्टी मुझे बाहर से भी बहुत अच्छी लगी, हर तरीके से ये प्रॉपर्टी मुझे बहुत प्यारी लगी है। तो लवली प्रॉपर्टी, मस्ट मस्ट विजिट प्रॉपर्टी। तो मैं इनकी पूरी प्रॉपर्टी विजिट करके आ गई हूँ, एंड बिलीव यू मी, मुझे तो ये बहुत ही अच्छी, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी लगी है, अमेजिंग व्यूज़ के साथ में। और यहाँ तो आप लोग अगर कसौली आएंगे तो यहाँ आप लोग बुकिंग ज़रूर कराएं। और मेरा सजेशन अगर आप लोग लेते हैं तो इसी टाइम आएँ, जुलाई अगस्त सितंबर में, जिससे कि क्योंकि डिस्काउंटेड रेट्स मिलते हैं और ऐसे रेट्स आपको किसी कहीं नहीं मिलेंगे, बिल्कुल 5-स्टार प्रॉपर्टी है। अब मैंने आपको रॉस कॉमन न्यू तो दिखा दिया जो बहुत सुंदर है, अभी अभी ये ऊपर वाली रोड पर है, रॉस कॉमन ओल्ड वाला हिमाचल प्रदेश का, तो उसको मैं देखने जा रही हूँ अभी, वो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे एंट्री है हिमाचल टूरिज्म का, रॉस कॉमन, ठीक है। फ़ोन नंबर भी दे रखे तो आप लोग आराम से इसमें कांटेक्ट कर सकते हो, ये फ़ोन नंबर है, ये ओल्ड वाला है। और ये देखो यहाँ से दे रखा है कि मनकी पॉइंट जिसको बोलते हैं, 4 किलोमीटर है, पेट्रोल पंप 12, बरोग 21, शिमला 75 और ऐसे। तो अभी पुराने वाला ओल्ड रॉस कॉमन देखने चलते हैं, चलिए। तो घुसते ही यहाँ तो सबसे पहले यहाँ पे झूले वगैरह लगे हुए हैं और ऐसे ओपन स्पेसेस हैं जहाँ से व्यूज़ बहुत ही सुंदर है, ये पूरा व्यू बड़ा प्यारा है, शानदार। ये देखो यहाँ से, और ये यहाँ पे सनराइज पॉइंट भी है बिल्कुल इसके पास में, तो यहाँ से सनराइज बहुत अच्छा दिखता है, जो पुराने वाला हिमाचल प्रदेश का ये है होटल। तो ये देखो, इसको देख लेते हैं अभी, और इसमें भी है इलेक्ट्रिक चार्जिंग, ईवी चार्जिंग स्टेशन इधर भी है। तो इसको ये पूरी लुक इसकी बाहर की ऐसी है, क्योंकि ये पुराना बना हुआ है तो नेचुरली। हेलो भैया, नमस्ते भैया, मुझे ना यहाँ पे एक कोई रूम दिखा दीजिए और कोई टैरिफ बता दीजिए, बुकिंग तो साइट से होती है वो पता है मेरे को। हाँ जी, कोई रूम दिखा दीजिए, मैं अभी नया वाला भी देख के आई हूँ, तो हाँ, तो वीडियो बनाती हूँ मैं ना, तो हाँ जी। तो इस साइड, अच्छा इस साइड, ठीक है। पुराने रूम्स हैं ये, ऐसे बने हुए हैं इधर से जा कर के, 2 और 3। अच्छा, रूम नंबर 2 और 3, ठीक है। और ये एक सॉरी स्वीट है, अच्छा ये स्वीट है। हाँ जी, अच्छा स्वीट है। हाँ जी, अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा ये सिटिंग रूम है। अच्छा, ये इसमें सिटिंग रूम आ गया, ओके, ये सिटिंग रूम है और वहाँ से व्यू दिखता है ये। हाँ जी, नीचे का, ठीक है, ओके। तो ये है आपका 4800 वाला स्वीट है। हाँ जी, ओके, ये ड्रेसिंग रूम है। अच्छा, इसमें ड्रेसिंग रूम भी है, ठीक है। अच्छा, ये ड्रेसिंग रूम आ गया और फिर वॉशरूम उसके साथ।
उसके साथ ही वॉशरूम है, तो ये ड्रेसिंग रूम आ गया, ठीक है ओके। और वॉशरूम इधर आ गया, तो ये तो काफी पुराना बना हुआ है ना आपका, बहुत पुराना हेरिटेज प्रॉपर्टी है ना ये, ठीक है। तो शीशा लगवा और ये सिटिंग रूम गैलरी है। अच्छा, वो जो रूम्स हैं उनमें रूम ऐसा ही है, बस उसमें सिटिंग रूम नहीं है। हाँ, सिटिंग और ड्रेसिंग रूम। अच्छा, सिटिंग रूम और ड्रेसिंग रूम नहीं है। हाँ, और टॉयलेट वगैरह सब में, बाकी सब सेम है। हाँ, और रेंट टेरिस रूम ही है। और वो रेंट क्या रूम का 3700-3500। अच्छा, 3500 और 3700। यस मैम। और 30% लेस, उसमें 30% लेस हो जाता है। हाँ जी, आजकल आजकल इसमें, हाँ, जो आजकल रेंट चल रहा है वो 30% लेस हो जाता है उसमें, मतलब 3500 में 30% और लेस कर देंगे। हाँ जी, 2744 का। अच्छा, 2700 का है, 2900 का। अच्छा, ये 4800 का, ये 3704 रुपए का। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू भैया। और ब्रेकफास्ट है? ब्रेकफास्ट है पर वो अलग से है। अलग से, ठीक है ठीक है। जो न्यू रोज का हमने, उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड। हाँ जी, उसमें तो इंक्लूडेड है, वो तो मैं बना आई वीडियो। ठीक है, थैंक यू। कितने कमरे हैं आपके पास? 6 रूम हैं। 6 कमरे हैं कुल? हाँ जी। ठीक है, और बुकिंग तो ऑनलाइन होती है? ऑनलाइन। तो बहुत सारी यहाँ पे पार्किंग स्पेस भी है, पार्किंग की कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो देखिए, ये ओल्ड है और न्यू आपको दिखा दिया है, मुझे दोनों ही ठीक लगे हैं। तो ओल्ड हेरिटेज है भाई, देखो, और उसके रेट्स भी कम है। तो नीचे वाली रोड से जाते हैं तो रॉस कॉमन न्यू आ जाता है, और ये ऊपर वाली रोड, उसी में ऊपर वाली रोड पे आ जाओ तो ये आपको ये मिलेगा बोर्ड। मंकी पॉइंट जो है ना टेंपल, जो संजीवनी बूटी लेने गए थे हनुमान जी, और वो जो टेंपल है उसके रास्ते में ये पड़ता है। तो ये देखिए, आप नंबर्स भी ये दे रखे। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं, भूले भटके आ गए हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं न्यू ब्लॉग में नए वीडियोस के साथ में, तब तक ले बाय बाय बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल दी एंड।